नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। किसानों की हत्या सरकार के अंतिम दिन की निशानी। नंदा, लखीमपुर खीरी में आंदोलन कर रहे किसानों पर गाड़ी चढ़ा करके हत्या कर देना बीजेपी की सरकार के अंतिम दिन की निशानी है। उपरोक्त बात करते हुए नंदलाल निषाद नंदा ने कहा कि आंदोलन करना एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन बीजेपी सरकार जो आंदोलनों से ही बनी है, आज आंदोलन को कुचलने के लिए हर हथकंडे अपना रही है। किसान हमारे अन्नदाता है, वे अपनी मांग के लिए साल भर से आंदोलित है, लेकिन बहरी सरकार उनकी मांग को केवल कुछ लोगों के लिए नहीं मान रही है। नंदा का कहना है कि 2022 में योगी सरकार का जाना तय है, इसकी शुरुआत किसान आंदोलन के दौरान हुई हत्या से हो गई है। ऐसे संवेदनहीन सरकार की जनता को कोई जरूरत नहीं है, लोग सपा सरकार की तरफ देख रहे हैं। खबर जगत के लिए LN सिंह की रिपोर्ट। देखिए, लखीमपुर खीरी पे जो इस समय बर्बरता पूर्वक किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई और किसान के साथ अन्याय किया गया है, किसान आंदोलन अपना कर रहे हैं, आज इस समय तो संविधान खतरे में नजर आने लगा। क्या कोई आदमी अपना हक नहीं मांग सकते? अगर हक मांगने के लिए किसान अपने आप को धरना प्रदर्शन के रूप में अगर बैठता है तो क्या उनको गाड़ी चढ़ा के मार दिया जाएगा? संविधान खतरे में है और लोग अब भुखमरी के कगार पर इस कदर आ गए हैं कि अब उनकी पेट के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं पड़ती, और पेट के लिए लड़ाई अगर नहीं लड़ेंगे तो किसके लिए लड़ेंगे? और सबसे बड़ी चीज है कि अब इनके दिन अब खराब हो चुके हैं, ये जो सरकार चला रहे हैं इनके दिन इसलिए खराब हो गए हैं कि जितने भी राजनीतिक इनके अंदर गतिविधियां भरी हुई है कूट कूट करके, इसको कहते हैं खुरापाती, उस टाइप की गतिविधियों से सबको दबाना चाहते हैं, सबको नस्तोनाबूद करना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं, और अब इसका करारा जवाब देने के लिए किसान आंदोलन इन पे इतना भारी पड़ेगा कि ये समझ लीजिए कि इनकी राजनीतिक मौत होने जा रही है किसान की वजह से। और माननीय अखिलेश जी जो पहल किए थे उस पहल को इन्होंने रोकने की कोशिश की। हमारे क्षेत्र में जितने भी जनता अगर पहल करती है कि हम अपने आंदोलन को तेज करेंगे, ये आंदोलन को खत्म कर लेंगे, इतना खौफ भर दिए हुए हैं कि आंदोलन अब हो ही ना। ये आंदोलन करने के लिए अगर पेट्रोल का रेट दाम बढ़ता था तो सीधे पहुंच जाते थे दिल्ली। आज कोई आदमी अपने पेट के लिए आंदोलन कर रहा है कि मेरी अपनी चीज है और मुझे करने दीजिए, मुझे मेरे मन से खाने पीने दीजिए, कमाने दीजिए, उस पे कमाने और खाने पर भी प्रतिबंध लगाया जा रहा है। अब बैठ करके अपने घर धरना प्रदर्शन देने से पहले 10 बार आदमी डरता है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ला करके गाड़ी हम लोग भी चढ़ा दिया जाए या हम लोग कहीं दूसरी जगह भिजवा दिया जाए। इसलिए ये आतताई सरकार अब नहीं रहेगी। 2022 में जनता ने मन बना लिया है और हमारे निषाद बिरादरी ने मन बना लिया है, जैसे नैया तोड़ डाले हैं वैसे इनको तोड़ के हटाना है। किसानों ने मन बना लिया है कि ये आखिरी इनका क्षण चल रहा है, ये इनकी राजनीतिक मौत होने जा रही है। किसान की जो ये मौत हुई है, ये अपने आप को सुरक्षित ना समझें, 2022 में ये अपना अंत समझें।